ठीक है। इस तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कोटक 811 चेकबुक की। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस चेकबुक को आने में कितना वक्त लगता है और इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैंने कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया और मुझे लगभग गई सर यहाँ काफ़ी समय लग गया। एंड गाइस इस चेकबुक को आने में कितना वक्त लगता है सारा कुछ बताऊँगा आज की इस वीडियो में। अनबॉक्सिंग करूँगा इसी कोटक की 811 चेकबुक की एंड इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो उसको ऑल पर प्रेस कर देना क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है हमारा कोटक का चेकबुक। कैसी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है कोटक 811 महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। एंड इस टाइप में देखिए गाइस EMS पोस्ट लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट के थ्रू हमें मिला है। एंड गाइस मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ और पीछे की साइड की अगर बात की तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हमको मिलता है इसमें। एंड मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ कि अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एंड अभी मैं आपको वैसे बताऊँगा अभी कि इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए गाइस काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हमको इसमें मिलता है देखने को मिलता है। तो यहाँ से गाइस मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ गाइस काफ़ी अच्छी से टेप्स यहाँ इसको चिपकाया गया है तो मैं इसको इस जगह से निकाल लेता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ आपका इस तो कोई सब देख सकते हो इसके अंदर एक पैकेजिंग हमको और देखने को मिलती है। तो इसको मैं भी खोल लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ भी गाइस काफ़ी अच्छी पैकेजिंग करने देखने को मिलती है हमको। यहाँ टेप लगा हुआ है तो इसको हम निकाल लेते हैं सिंपली। इस जगह से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद गाइस सर यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा है गाइस चेकबुक, ये गाइस चेकबुक। एंड इसको हम साइड में कर लेते हैं। अभी गाइस देख सकते हो एक हमको यूजर मैनुअल मिलता है देखने को जिसको गाइस कोई भी पढ़ता नहीं है। इसको हम साइड में कर लेते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो ये है हमारा चेकबुक। ये गाइस 25 पेज का चेकबुक है जैसा कि अभी आप देख सकते हो। ये गाइस 25 पेज का चेकबुक है। एंड यहाँ गाइस आपको देखने को मिलता है ये गाइस चेकबुक कोटक का। अभी गाइस सर आप देख सकते हो रेड कलर का ये पूरे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड पीछे की साइड गाइस आप देख सकते हो इस तरह से कुछ है। इसको गाइस मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो गाइस आपको सिंपली करना है कि कोटक 811 का जो ऐप है उसको आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने के गाइस आपको आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ आपको चेकबुक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। चेकबुक का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हाँ आपको अपना जो है गाइस यहाँ टी पिन जो होता है उसको डाल देना है। उसके बाद गाइस आपको जो अपना मतलब ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली गाइस जितने भी पेज का कोई चेकबुक चाहिए उसको सेलेक्ट कर 25 का या 50 पेज का वो सेलेक्ट कर आपको जो है चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपली गाइस आपको क्लिक करने के बाद आपको जो है लगभग यहाँ कुछ एक महीने का आपको वेट करना होगा और जो चेकबुक है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी आपने बैंक में एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। एंड मुझे भी इसी तरह डिलीवर हुआ। मुझे लगभग गाइस से मुझे भी एक महीने लग गए इस चेकबुक को आने में। एंड आप देख सकते हो 25 पेज का चेकबुक। और सबसे अच्छी बात कि इस चेकबुक पर जो है गाइस आपका जो है यहाँ नेम प्रिंटेड होगा, जो भी आपका नाम होगा वो गाइस चेकबुक पर प्रिंटेड होगा, सबसे अच्छी बात। एंड गाइस बस यही थी आज की वीडियो। अगर कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही देना क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतने एक फिल्म लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।